बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम तो होता है हर इतवार को 9:30 बजे। तो बस पिछले दो इतवार, एक ईद आ गई, पिछले इतवार को भी कोई मसला बन गया, मैं हाज़िर खिदमत नहीं हो सका। तो आज हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। आप ये लाजमन प्रोग्राम देखा करें हमारा, और इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब होंगे। पीछे मैंने प्रोग्राम में एक इमसाक उसका बतलाया था, बल्कि उसकी वीडियो भी हमने बनाई है कि भांग और शक्कर और शहद, उसके माशाल्लाह बड़े हौसला अफजा नतज आए। काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए, मुझे फ़ोन बड़ी दूर दूर से आए कि वो हमने बनाया और बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो देखें, कोशिश तो यही होती है कि कोई ना कोई अच्छा नुस्खा आपको मिल जाए, जो भी छुपी चीज़ें हैं वो आपके सामने लाई जाएं। तो इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह इस्तकामत दे, तो इंशाल्लाह आपको तमाम नुस्खा जात से बखूबी आगाह किया जाएगा। हाँ जी, ये कौन? शेर खान जी। ये भाई शेर खान पूछ रहे हैं कि नफ्स की सख्ती के लिए कोई नुस्खा बतला दें। देखें, इसके लिए तो हमारा चैनल देख रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे नुस्खे दिए हैं। पिछले अभी हमने एक वीडियो अपलोड की है, वो नुस्खा बतला देता हूँ। नफ्स की सख्ती के लिए, नफ्स की सख्ती के लिए वो नुस्खा दिया है हमने, तिला का 5 तोले कड़वा तेल, 3 माशा मीठा तेलिया सफ़ेद। देखिए, मैंने मीठा तेलिया सिर्फ बताया था, यहाँ सिर्फ लफ्ज़ मीठा तेलिया है ना, तो मीठा तेलिया सफ़ेद ही गिना जाता है। मीठा तेलिया दो किस्म का है, एक स्याह है, एक सफ़ेद है। अगर सिर्फ मीठा तेलिया कहीं लिखा हो ना, सिर्फ मीठा तेलिया, आगे सफ़ेद या स्याह ना लिखा हो, तो उसको सफ़ेद ही लेना चाहिए। तो कड़वा तेल 5 तोला, मीठा तेलिया 3 माशा, और मूली के बीज 6 माशा। अब ऐसा करना है कि मूली के बीज और मीठा तेलिया को अच्छी तरह बारीक करके कपड़ छान कर लें। ये मीठा तेलिया जहर होती है, लेकिन ऊपर लगाने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये है कि वो हाथ में ना लगाओ, ज़बान पे या आँखों में ना लगे बस। तो वो बारीक कर लें मीठा तेलिया और तुखो मूली, तो छोटा खरल होता है हुकमा के पास सफ़ेद रंग का, उसमें डाल दें 5 तोला वो तेल भी कड़वा डाल दें, तो उसकी 3 घंटा 1.5 रगड़ाई कर लें, वो मिक्स हो जाएगा। तो उसको ड्रापर में डाल लें, तो हिला कर उसके 3-4 कतरे लगा कर सुबह नहाने के बाद मालिश कर लें, तो शाम को फिर धो दें, साबुन लगा कर धो दें 1.5 घंटे के बाद, फिर दोबारा रात को सोते वक्त मालिश कर लें। तो ये करें, इससे इंशाल्लाह नफ्स टैट भी हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी। बाद लोगों का नफ्स बढ़ भी जाता है, इससे लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है। जी जैफल भी, साजिद अली साहब पूछ रहे हैं कि जैफल और जलवतरी का क्या मिलाज है। ये जो है ना, जैफल, जलवतरी, लौंग, अकरकरा, ये सब गर्म होते हैं, गर्म तार होते हैं। जैफल भी गर्म तार है, जलवतरी भी गर्म तार है, ये ताकत की दवाइयों में पड़ती हैं, ये ना बड़ा अहम जुज है हमारी तिब का, ये दोनों चीज़ें। सिद्दीक भाई पूछ रहे हैं कि मैदे और मसाने की गर्मी का, देखिए मैदे की गर्मी और चीज़ है, मसाने की गर्मी और चीज़ है।
मेदे में अगर तपश या जलन महसूस होती है तो हमारा नुस्खा देखें अक्सीर तिजाबियत का वो बनाएं। मसाने में गर्मी है तो इसका आपने नहीं बतलाया कि मसाने की गर्मी से क्या होता है, सूरत अंदाल है, जरियान है, जरियान मजी है, वदी है, मनी है, क्या है, अहतलाम ज़्यादा होता है या पेशाब जल के आता है, वो आपने नहीं बतलाया। तो इसके मसाने की गर्मी के लिए वैसे ओवरऑल ये जो है ना चीनी एक चम्मच डाल कर लें, एक आप पानी में उसका मीठा कर लें उसको, और एक चम्मच छिलका डाल दें, वो सुबह खाली पेट पी लें और एक गिलास असर के टाइम खाली पेट पी लें, तो इससे में मसाने की गर्मी जिसको अमूमन हम कहते हैं कि मसाने की गर्मी हो गई है उससे उसको अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो होता है ना जी जरियान का हिसाब, ये भी गर्मी के ज़ुमरे में आता है। इतलाम हो तो ये भी हम लोग कहते हैं कि ये गर्मी हो गई है, हालांकि इसकी वजूहत तो और चीज़ें अलामत और होती हैं, और बीमारी होती है अंदर, ये नसों में मनी की नसों में ये इन्फेक्शन हो जाती है, सोजश आ जाती है, जलन आ जाती है, है जी, पेशाब जल के आता है, बाद लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो वो भी बाद लोगों को सुजाक हो जाती है, तो जलन का वो जलन को इग्नोर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई तकलीफ़ हो जिसम में बिलखसूस मसाने में कोई हो तो उसको लाजमन सीरियस रहना चाहिए और अपने किसी करीबी मुआलज से उसका इलाज करना चाहिए। हाँ जी, हसन भाई कह रहे हैं कि पाँव की उंगलियों और तलवों में ख़ारिश होती है, तो इसका बड़ा आसान सा इलाज है जी, सुबह शाम कपड़े धोने वाले साबुन के साथ इसको पाँव को धोएं, धोकर तौलिए के साथ खुश्क कर लें, ऊपर कड़वा तेल लगा दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा दें, ये चंद दिन करें ख़त्म हो जाएगी ख़ारिश इंशाल्लाह। हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए पूछ रहे हैं जी वकास भाई। देखें जी, ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमारा चैनल देखें, वहाँ पे बड़ा अच्छे नुस्खे दिए हुए हैं, तो वैसे नुस्खा सुन लें, गुलाब के फूल, धनिया, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची, ये चारों चीज़ें कूट कर रख लें और इसकी एक चुटकी एक कप पानी में डालकर दो तीन जोश दें, अगर शुगर नहीं है तो चीनी डाल लें, तो पुन छान कर पी लें, तो ये सुबह शाम इसका मामूल बना लें तो ब्लड प्रेशर जो है वो आस्ता आस्ता अपने मामूल पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ परहेज़ है, तो चावल ना खाएं, नमक जो आटे में नमक डालती हैं औरतें वो भी बंद करवाएं, घर में सालन में नमक बंद करवा दें, आपका सालन अपना सालन निकलवा लें और बाकी सालन में नमक डाल दें, है जी, तो ऐसा इंतज़ाम करें, नमकियात से भी बचें, गर्म चीज़ें अंडा वगैरह नहीं खाना, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ये ब्लड प्रेशर डिप्रेशन की वजह से भी होता है, अगर कोई ऐसा मसला है घर में या कारोबार में तो उसको भी हल करें, वो हल होगा तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हाँ जी, पूछ रहे हैं जी शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है। देखिए जी, शुगर जब हो जाती है ना तो फिर वो मर्दाना कमज़ोरी हो जाए तो फिर उसका इलाज बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, होते ही नहीं। हम एक, आपको इलम होगा, मैंने अक्सर बार बतलाया कि हम एक माजून तैयार करते हैं, वो काफ़ी महंगी माजून है, 40,000 की है, वो एक किलो देते हैं, हम एक महीने में खिलाते हैं, वो भी खिलाई है मरी, आम आदमी खा ले तो हट्टा कट्टा हो जाता है उसके साथ, ओ ज़बरदस्त शामत हो जाती है, अगर शुगर ना हो तो बिल्कुल यंग हो जाता है आदमी, 50-60 साल का आदमी भी जो है ना वो 20-22 साल की ताकत ले लेता है, लेकिन शुगर वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे भी फ़ायदा नहीं होता, कोई जो भी खिला दें बस फ़ायदा नहीं होता, वल्ला आलम किसी और हकीम साहब के पास को उसका नुस्खा या टोटका हो, लेकिन मेरे तजर्बे में तो ऐसी कोई बात नहीं कि शुगर का मरीज़ सेक्स के लिहाज से ठीक हो जाए, बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, तो
हाँ जी, वो कहते हैं कि शुगर के मरीज़ को करना क्या चाहिए, ज़िंदगी तो गुजारनी है, बेगम भी है होगी साथ, तो इसके लिए किसी MBBS डॉक्टर से मिल लें। आजकल बाज़ार में सल्फीनाडिल के फार्मूले में कई किस्म की गोलियाँ आ रही हैं, ये विग्गा वगैरह, पिनाग्रा और कई किस्म की अच्छी गोलियाँ आ गई हैं, तो मुझे तो नाम उनका याद नहीं है, वो मुख्तलिफ पोटेंशियम ही आ गई हैं, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर तो गोली लिखवा लें वक्ती तौर पर, जब बेगम के पास जाएँ तो वो गोली खा ली, तो ये कई साल, 6-7 साल, 10 साल तक भी ये चल जाती है, आपका काम करती रहेगी। हाँ जी, कह रहे हैं कि बाज़ हुकमा से दवाई लेते हैं तो वक्ती फ़ायदा होता है, छोड़ दें तो अगले हाल से भी आदमी जाता है, तो मेरा भाई मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि ऐसे लोग ये कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं, इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये सल्फीनाडिल के फार्मूले की गोलियाँ बाज़ार से सस्ती मिल जाती हैं, वो लेकर वो बारीक करके माजून में डाल देते हैं या पाउडर सफ़ू में डाल देते हैं, वो फिर मरीज़ों को खिलाते हैं, वो मरीज़ खाता है तो शावत के भी अंबार लग जाते हैं और बड़ी ताकत आ जाती है जिसमें मैं मरीज़ समझता है कि मैं ठीक हूँ, जब बेचारा वो छोड़ता है, ख़त्म होती है, तो वो अगले हाल से भी जाता है, ये इंसानियत के साथ जुल्म है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बेशक मरीज़ को फ़ायदा ना हो, आपके ज़िम्मे फ़ायदा नहीं है, आपके ज़िम्मे शफा नहीं, हकीम के या डॉक्टर के ज़िम्मे शफा नहीं, शफा अल्लाह ने देनी है, हमारा काम है कि दवाई एक नंबर हो, दवाई एक नंबर हो, फ़ायदा बेशक हो या ना हो, कम से कम एक आदमी देखें 10-15 हज़ार 20 हज़ार देता है आपको, वो पैसे भी आप ले लें और उसके साथ जुल्म करें तो वो ज़्यादा तकलीफ़ होगी उसको, है जी, तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, दो नंबर अद्वियात जो है ना ये नहीं डालनी चाहिए देसी अद्वियात में, तो खालस देसी दवाई दें, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह मेरे मरीज़ों को शफा दे, तो अल्लाह शफा देते हैं इंशाल्लाह, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ज़ीशान भाई कहते हैं कि पखाना, खाना खाते ही पखाना आ जाता है, ये संग्रहणी की अलामत है, कब्ज़ भी रहती है, ये संग्रहणी की अलामत है, तो इसके लिए हमारा चैनल देखें, वहाँ पे संग्रहणी के अच्छे नुस्खे दिए हुए हैं, एक नुस्खा अभी आ रहा है हमारा, इसी हफ्ते अपलोड होगी वो वीडियो, तो वो देख लेना, तो वो भी अच्छा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। मिर्च मसाले से परहेज़ रखें, फ़ास्ट फूड जो है ना, ये पकौड़ा, समोसा, ये बर्गर, शवारमा, इनसे परहेज़ रखें, तो दूध भी ना पिए, दूध बंद कर दें अपना, तो अल्लाह पाक शफा देंगे आपको। तो वैसे आप ऐसा करें कि केला जो है ना, 3 केले और 1 चम्मच छिलका इसबगोल एक पौधे में मिलाकर ग्राइंड कर लें, तो वो सुबह पी लिया करें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। हाँ जी, भाईजान कह रहे हैं कि उम्र 30 साल है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं और याददाश्त तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है। भाई आप ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें, ये आपको नसीयान हो रहा है, तो ग़िज़ा का तरीका मैं बतला देता हूँ, 15 दाने बादाम, मगध बादाम, 7 दाने पिस्ता, 5 दाने खजूर, 2 दाने अखरोट और आधी बूठी किशमिश, किशमिश आधी बूठी हो, तो ये खाकर ऊपर से दूध पी लिया करें, तो वैसे ग़िज़ा में बकरे का गोश्त और ये देसी मुर्गा इस्तेमाल करें, तो उसकी यखनी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे आप। अगर कोई नज़र का मसला हो आपको तो वो डॉक्टर से नज़र चेक करवाएं, तो ज़्यादा मुतालिया करते हैं तो वो थोड़ा सा कम कर दें, या ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा कम कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। बर्मी बूटी की पहचान की ज़रूरत ही कोई नहीं, आप पंसारी के पास जाएं, वहाँ से बर्मी बूटी ले लें। मैंने पिछले दिनों नुस्खा बनाना था अपने बच्चे के लिए, तो वो पंसारी से ले ली मैंने, वो तो मैंने वैसे कहा था ना कि यहाँ से मिल जाती है, है जी, हाँ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, पंसारी से ले लें, बर्मी बूटी ले लें, मगध बादाम ले लें, तो काली मिर्च ले लें, गोलियाँ बना लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कौन पूछ रहा है? साजिद अली पूछ रहे हैं कि जायफल जलवतरी गर्म मिजाज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, अगर करनी है तो बहुत थोड़ी मकदार में करें, लेकिन ये जायफल जलवतरी अकेला इस्तेमाल करने का मकसद कोई नहीं, ये तो पूरा नुस्खा बनता है,
वो मैंने नुस्खा बतलाया भी था कि जैफल, जलवतरी, लौंग, अकर करा एक एक तोला और भांग के पत्ते 6 माशे, ये बारीक करके कैप्सूल बार लें 500 mg के, ये लोहे पे सोने पे सुहागा हो जाएगा, ताकत के लिए भी और इमसाक के लिए भी। हाँ, शेर खान पूछ रहे हैं जी, सांडे के तेल का क्या फ़ायदा? सांडे का तेल देखें अच्छा होता है, मुख्तलिफ़ तेलों में मुख्तलिफ़ तेल लेकर सांडे का तेल भी मिक्स किया जाता है, अकेला वो कुछ नहीं करता, तो वो अच्छा काम कर जाता है, अगर खालस हो ना तेल अच्छा काम कर जाता है, अकेला भी अच्छा काम कर जाता है बाद मरीज़ों पे, लेकिन हर मरीज़ पे वो अकेला काम नहीं करता। तो आज की महफ़िल ख़त्म होगी जी, तो इंशाल्लाह आइंदा, और सवाल तो नहीं है कोई जी? तो इंशाल्लाह आइंदा हाजिर खिदमत होंगे अगले इतवार को। उम्र 55 साल है, मिस्त्री के वक्त ढीलापन आ जाता है भाई, अगर शुगर नहीं है तो फिर आप ऐसा करें हमारा चैनल देखें, वहाँ पे माजून शाही का नुस्खा दिया हुआ है, माजून शबाब आवर का नुस्खा दिया हुआ है, शबाब आवर गोलियों का नुस्खा दिया हुआ है, कोई चीज़ बना लें साथ कोई मालिश तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। तो बस भाई आज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अगली इतवार को इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम।